राजस्थान कांग्रेस की हुई महंगाई हटाओ रैली में राहुल गांधी का पूरा भाषण हिंदू वर्सेस हिंदुवादी पर केंद्रित रहा। बीते रविवार की रैली के अंदर राहुल गांधी ने अपने भाषण में हिंदू और हिंदुवादी शब्द के विस्तृत व्याख्या करते हुए हिंदुवाद और हिंदुवादियों पर कड़े हमले बोले हैं, लेकिन अब इन्हें इस मुद्दे पर घेरे जाने लगा है। इस नई व्याख्या को लेकर भाजपा के साथ ही कई दूसरी पार्टियों द्वारा कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमले बोले जा रहे हैं। इस बीच रविवार देर रात को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने हिंदुवादी शब्द के पहले शब्द यानी कि शब्द के इस्तेमाल किया था। माना जा रहा है कि गहलोत का ये ट्वीट राहुल गांधी की बात को साधने की कोशिश थी, तो वहीं हिंदुत्व और हिंदुवादियों पर सीधे हमले बोलना पार्टी को 5 राज्यों के चुनाव और खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में फायदे के बजाय नुकसानदेही साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को साधने के लिए राहुल गांधी अपने भाषण में हिंदू और हिंदुत्व वाद पर केंद्रित रखा था, लेकिन पार्टी को यह दाव उल्टा पड़ सकता है। ऐसे में अब सीएम अशोक गहलोत ने हिंदुत्ववादी शब्द के पहले धर्म शब्द का इस्तेमाल कर बात को साधने की कोशिश की है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि सत्य, अहिंसा, प्यार, भाईचारा और इसको मानने वाले व्यक्ति हिंदू हैं। हिंदू किसी से नफरत नहीं करते और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जबकि हिंदुत्ववादी हिंसा, अहिंदुत्ववादी एवं वृणा फैलाने से भरोसा रखते हैं। हिंदू एवं हिंदुत्ववादी में वह अंतर है जो गांधी जी एवं गॉडसे में था। असल मायने में हिंदू सत्य, अहिंसा और सद्भाव में विश्वास रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।